फिरोजाबाद निकाय चुनाव नज़दीक है, प्रचार थम गया है और कल सुबह मतदान होना है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम उपस्थित हैं, ये चुनाव कार्यालय, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं कल के चुनाव को लेकर के, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सत्यवीर गुप्ता जी हैं। सर, क्या किस तरीके की तैयारियां हैं कल के चुनाव को लेकर के? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से फैजाबाद की जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने बहुत अच्छा प्रत्याशी फिरोजाबाद के मेयर के लिए दिया है, श्रीमती कामनी राठौर। इसको लेकर प्रारंभ काल से ही, जब से प्रत्याशी घोषित हुई तब से लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ता में उत्साह है, कहीं कोई गतिरोध नहीं, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हमारी जनता जनार्दन के साथ जिस दिन नॉमिनेशन हुआ 17 तारीख को, 18 तारीख को प्रातः से ही हम लोग जनसंपर्क में जुट गए। जनसंपर्क के पश्चात दोपहर को हमारे सामाजिक सम्मेलन हुआ। सामाजिक सम्मेलन के साथ साथ हमारी शाम को नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ सभाओं में हमने जो वोट की अपील की, और आज दिन तक हमारी इस तरह की जो प्रचार थम गया है, लेकिन हमारा संपर्क डोर टू डोर होता रहा। हम उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पहले भी यहाँ पर जीत दर्ज की है, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और तीसरी सरकार नगर निगम में पहले भी थी, पुनः बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने जी तोड़कर मेहनत की है, पूरी तरह से जो प्रचार प्रसार हुआ है, प्रचार प्रसार में हमारी प्रत्याशी ने और हम सब कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एकजुट होकर फिरोजाबाद में जो विकास की गंगा बही, हमारे लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा जी ने अपने नेतृत्व में फिरोजाबाद में चतुर्मुखी विकास किया, उसका पूरा फायदा हमको मिल रहा है। और हमारी प्रदेश में जो माननीय योगी जी की सरकार ने जो माफिया मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं को जो क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में किया, उसका पूरा लाभ मिल रहा है। और हम उत्साहित हैं 4 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें जनता जनार्दन भरपूर हमको समर्थन देगी, और हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि हमको कम से कम 1.5 लाख वोट, 1,50,000 वोट लगभग हमको हमारे प्रत्याशी को मिलने वाला है, और भारी बहुमत से जीतकर उत्तर प्रदेश के 17 निगम में पहला एक ऐसा फिरोजाबाद निगम होगा जो सर्वाधिक मतों से जीतकर हम आएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमित गुप्ता जी, मीडिया प्रभारी, उपस्थित हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं शहर की समस्त सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ कि शहर हित में और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की महापौर की जो प्रत्याशी श्रीमती कामनी राठौर जी हैं, उनको अपना आशीर्वाद और जनसमर्थन प्रदान करें। कल दिनांक 4 मई को सुबह से ही लाइनों में लग जाएं और इतनी कमल के निशान के सामने इतनी बटन दबा दें कि विपक्षियों की जमानतें जब्त हो जाएं। जिस तरीके से देखने को मिला, हमारे निकाय के चुनाव संयोजक जी हैं सतवीर गुप्ता जी, विधायक मनीष ससीजा जी, महानगर अध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य समस्त कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, और देखने को मिला सड़कों पर, घरों पर, गली मोहल्लों में एक जनता का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिससे कि देखने को मिला कि हमारी मोदी जी की और योगी जी की सरकार वास्तव में गरीब लोगों और समस्त जनता जनार्दन के लिए कार्य कर रही है। और जिस तरीके से अपार जनसमूह जो मिला है, समर्थन मिला है, इससे हम विजयी भव होंगे और पूर्ण आशा है, और दोबारा से पुनः नगर निगम में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और विपक्षियों की जमानतें जब्त होने वाली। जी जी, कुछ लोग और भी मौजूद हैं हमारे साथ, हम जानना चाहेंगे सर किस तरह की तैयारी और कैसा आप जीत को किस तरीके से लेते हैं, क्या आपको लगता है कि कितनी बड़ी जीत होने वाली है आपकी? देखिए, जिस तरह की मेहनत हमने पार्टी के संगठन के लोगों ने और विधायक जी के नेतृत्व में की है, और हमने जो पूरे 15 दिन जो प्रचार चलाया उसमें सुबह का जनसंपर्क हो, शाम की नुक्कड़ सभाएं हो, बीच में लोगों से मिलना हो, उसमें ताबड़तोड़ मेहनत की है, सभी ने मेहनत परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उससे मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जीत बहुत बड़ी होगी, विशाल होगी, और मतलब जीत तो एकदम बम्पर जीत होगी। जी जी, आकाश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, पहले मतदान, बाद में जलपान, सभी लोग घर से निकलें और सुबह प्रातःकाल ही वोट दें और भाजपा के पक्ष में वोट दें, मेरी सब लोगों से ये निवेदन। जी जी सर, बताएं। मैं रविंद्र शर्मा, लोकतंत्र सेनानी,
इतना उत्साह जनता में इस समय कि पूरे शहर में एक माहौल बन गया है कि कामनी राठौर के लिए पूरा शहर तैयार बैठा है और आने वाली कल जो सुबह से ही 6 बजे से लाइन लग जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की और कमल के फूल के लिए वोट के लिए लोग उत्साहित बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से कल जो मतदान होना है उस मतदान में अपार बम्पर जो है वोट पड़ेंगे, मतदान पड़ेगा, उस मतदान में निश्चित रूप से हमारा प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा। और निश्चित रूप में मैं पूरी जनता से कहना चाहता हूँ कि आंधिया लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो और सख्त में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो और फिर कुछ। आपको लगता है कि जैसा कि आज मौसम में जो मिजाज मौसम का बदल गया है, कल उसका कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा और उत्साह बढ़ा। इंद्रदेव की हाई पर बहुत बड़ी मेहरबानी है जी। इंद्रदेव ने जो वर्षा की है, ये वर्षा जो है हमारी वरदान सिद्ध होगा निश्चित रूप से, और ये वरदान जो कल जो है कमल के फूल में परिवर्तित होगा निश्चित रूप से, ये समझिए। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग जितने भी लोग संपर्क में जाते हैं कहते हैं, और जनता भी हमारे साथ बोलती है कि जीतेंगी इस बार कामिनी, जीतेंगी इस बार कामिनी जीतेंगी। अरे माता बहनों सुनते जाना, भूल कमल का बटन दबाना, किसी की बातों में ना आना, ये है सच्ची बात, कामिनी जीतेंगी इस बार कामिनी, भारत माता की जय।